हेलो एवरीवन, मैं हूं देवांशी आशर एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। फाइनेंस में स्पॉट रेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसका यूज करेंसी और सिक्योरिटी ट्रेडिंग से लेके कमोडिटी प्राइसिंग तक हर जगह होता है। लेकिन स्पॉट रेट आखिर है क्या? तो आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी भी असेट की करंट मार्केट प्राइस को स्पॉट रेट कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदने हैं तो उसका स्पॉट रेट आपको बताएगा कि आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। स्पॉट रेट्स इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि करेंसीज, कमोडिटीज और सिक्योरिटीज जैसे कई सारे असेट्स की प्राइसेस तय करने में स्पॉट रेट का ही यूज होता है। और अगर आप इनमें से किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए स्पॉट रेट्स को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी कारण से हमने इस वीडियो में स्पॉट रेट्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्पॉट रेट्स आखिर होते क्या हैं, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूज कैसे होता है, और स्पॉट ट्रेडिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और वीडियो के एंड में हम स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के बीच के डिफरेंसेस और उनके रिलेशनशिप को भी एनालाइज करेंगे। सो इफ यू रेडी, लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज स्पॉट रेट। सिक्योरिटीज, कमोडिटीज और करेंसीज की करंट मार्केट प्राइस को स्पॉट रेट या स्पॉट प्राइस कहा जाता है। यानी स्पॉट रेट वो प्राइस है जिस पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इमीडिएट सेटलमेंट होता है। स्पॉट रेट की जो वैल्यू है वो बायर की बिड और सेलर की आस्क प्राइस से तय होती है, और ये सप्लाई एंड डिमांड, अलग अलग वेरिएबल्स जैसे इंस्ट्रूमेंट की करंट मार्केट प्राइसेस और फ्यूचर वैल्यू पर निर्भर होती है। इससे हमें ये समझ में आता है कि असेट का स्पॉट रेट मार्केट में उसके सप्लाई एंड डिमांड को भी दर्शाता है, और ये तो हम सब जानते ही हैं कि मार्केट न्यूज से कितना इन्फ्लुएंस्ड है। इस कारण अगर उस पर्टिकुलर असेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज निकल कर आती है तो उसकी स्पॉट प्राइस में फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएशन आते हैं, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। चलिए अब अलग अलग सिचुएशंस में स्पॉट रेट को समझ लेते हैं। स्टार्टिंग विद द फॉरेक्स मार्केट, तो बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स अपनी जरूरतों के लिए फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस करते हैं, और उनके इसी एक्सचेंज से करेंसीज की स्पॉट रेट डिसाइड होती है। अब फॉरेक्स के पर्सपेक्टिव में स्पॉट रेट को आउटराइट रेट या फिर बेंचमार्क रेट या स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट भी कहा जाता है। करेंसीज के साथ साथ बॉन्ड, गोल्ड, कॉटन जैसे कई कमोडिटीज के भी स्पॉट रेट्स होते हैं, और इन गुड्स की प्राइसेस सप्लाई एंड डिमांड के आधार पर तय होती है। लेकिन उनमें से भी बॉन्ड के जो स्पॉट रेट्स हैं वो कई बार जीरो कूपन रेट होते हैं। अब स्पॉट रेट का ये डेटा अलग अलग सोर्सेस पर अवेलेबल है, जिसका यूज करके ट्रेडर्स अपने कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जैसे कि न्यूज आउटलेट्स पर फ्रीक्वेंटली आपको कमोडिटी और करेंसी के स्पॉट रेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्पॉट रेट्स। सपोज प्रिया को 24 कैरेट गोल्ड बुलियन की 10 ग्राम क्वांटिटी परचेज करनी है, तो वो मार्केट जाती है और सेलर उसे 60,000 रुपीज प्राइस बताता है, जो कि स्पॉट रेट है। अगर प्रिया इस प्राइस पर बुलियन परचेज कर लेती है तो वो ट्रांजैक्शन वहीं कंप्लीट हो जाता है, और हम कह सकते हैं कि 60,000 का ये स्पॉट रेट एक्चुअली मार्केट मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, जो रियल मार्केट रेट्स है। सेकंड एग्जांपल, सपोज एक सेलर बंटी ये सोचता है कि आने वाले 2 महीनों में गोल्ड के प्राइसेस कम हो जाएंगे और 58,000 रुपीज हो जाएंगे, लेकिन बबली जो बायर है उसे लगता है कि प्राइसेस बढ़कर 61,000 रुपीज हो सकते हैं। तो बंटी और बबली के बीच ये अग्रीमेंट होता है, उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इस अग्रीमेंट के लिए बायर यानी बबली सेलर को 200 रुपीज का प्रीमियम पे करेगी, और अग्रीमेंट के अंडर बायर फ्यूचर डेट पर असेट की डिलीवरी लेता है और सेलर उस असेट को बेचता है। अगर प्राइजेस 61,200 रुपीज हो गए तो बबली को एग्जैक्टली 1,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है और सेलर को उतना ही लॉस। बट अगर प्राइसेस 59,000 हुए तो बबली को लॉस होगा, क्योंकि उसे तो 60,000 पर ही बाय करना पड़ेगा, प्लस जो 200 रुपए का प्रीमियम उसने पे किया था। अब स्पॉट ट्रेडिंग के एडवांटेजेस पर फोकस करते हैं। स्पॉट रेट एक्चुअल मार्केट मूवमेंट को इंडिकेट करता है, जिसमें किसी तरह का स्पेकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। साथ ही स्पॉट ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी,
टाइम वैल्यू और इंटरेस्ट रेट चेंजेस जैसे मार्केट डायनामिक्स का भी कोई असर नहीं होता है, मेनली बिकॉज बायर और सेलर के बीच ट्रांजैक्शन इमीडिएटली पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। असेट के फॉरवर्ड रेट्स भी सेलर और बायर दोनों मिलकर ही कंफर्म करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग का एक फायदा ये भी है कि स्पॉट रेट्स को स्टडी करके आप मार्केट के ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन स्पॉट रेट के जितने बेनिफिट्स हैं उतने ड्रॉबैक्स भी हैं, चलिए वो भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पॉट प्राइसेस को आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्पॉट रेट्स आपको फ्यूचर प्राइस और मार्केट मूवमेंट का प्रेडिक्शन नहीं दे सकती हैं। साथ ही स्पॉट प्राइसेस असेट के डिमांड पर भी बेस्ड होती हैं, यानी अगर फ्यूचर में असेट की डिमांड चेंज हो जाती है तो साथ में उसकी प्राइसेस भी चेंज होती हैं। एंड एज अ रिजल्ट बुलिश आउटलुक वाले बायर्स को स्पॉट रेट परचेज से लॉस उठाना पड़ सकता है। स्पॉट प्राइसेस फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है और ये टाइम एक सेकेंड या फिर एक माइक्रो सेकेंड भी हो सकता है। स्पॉट रेट्स में होने वाले ये छोटे छोटे चेंजेस बड़ी बड़ी डील्स की जो टोटल वैल्यू है उस पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एज अ बायर आप अपनी डील की जो परचेज और सेटलमेंट की वैल्यू है उसे पूरा पूरा ध्यान में रख के कैलकुलेट करके फिर करें। स्पॉट रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि वो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टर्स को इन कॉन्ट्रैक्ट से एक फिक्स्ड या प्रेडिक्टेबल इनकम ही रिसीव हो पाती है, और अगर इन्वेस्टर्स चाहें तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करके वो इस रिस्ट्रिक्शन को ओवरकम कर सकते हैं। एडिशनली, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मिलिट्री ऑपरेशंस और नेचुरल डिजास्टर्स और कई सारे एनवायरमेंटल एक्टिविटीज का भी स्पॉट रेट्स पर काफी इम्पैक्ट देखा जाता है। जरूरी नहीं है कि ये मार्केट कंडीशंस डायरेक्टली ही प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पर असर डालें, लेकिन डेफिनेटली उनका असर कहीं ना कहीं उसके मार्केट प्राइस पर जरूर होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पॉट रेट वर्सेस फॉरवर्ड रेट। स्पॉट सेटलमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स के ट्रांजैक्शन के लिए फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं। ये सेटलमेंट ट्रेडिंग डेट के दो दिनों के अंदर अंदर हो जाता है। वैसे अब तो सेटलमेंट और भी जल्दी होने लगे हैं, लेकिन इन दो दिनों के टाइम पीरियड को टाइम होराइजन कहते हैं और सेटलमेंट डेट को पोस्ट डेट से रेफर किया जाता है। अब सेटलमेंट के इस टाइम होराइजन में भले कुछ भी हो जाए, सेलर और बायर दोनों को स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट की अग्रीड अपॉन स्पॉट रेट्स को फॉलो करना पड़ता है, और इसी कारण स्पॉट प्राइसेस का यूज करके फॉरवर्ड रेट्स को फ्रीक्वेंटली डिटरमाइन किया जाता है। बेसिकली अपने अपकमिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर सिक्योरिटी की जो प्राइस होती है उसे ही फॉरवर्ड रेट कहते हैं। सिक्योरिटी, कमोडिटी और करेंसी की फॉरवर्ड रेट अपनी करंट वैल्यू, रिस्क फ्री रेट और कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी में बाकी बचे टाइम पर बेस्ड होती है, और इन तीन मैट्रिक्स का यूज करके ट्रेडर्स असेट्स की स्पॉट रेट्स को एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। चलिए अब स्पॉट रेट्स और फ्यूचर प्राइसेस के बीच जो रिलेशनशिप है उसे भी समझ लेते हैं। किसी भी असेट की स्पॉट प्राइस उसके फ्यूचर प्राइस के लिए बेंचमार्क की तरह वर्क करते हैं। स्पॉट प्राइसेस को जाने बिना असेट की फ्यूचर प्राइसेस को तो प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, और प्रेडिक्शन के बाद भी फ्यूचर प्राइसेस को स्पॉट रेट से कम, ज्यादा या इक्वल दिखाया जाता है। जब भी स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइसेस इक्वल यानी आइडेंटिकल होती है तब हम कन्वर्जेंस टर्म का यूज करते हैं, और यूजुअली ये सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी दिन पर बनती है। अगर फ्यूचर प्राइसेस स्पॉट प्राइसेस से कम होते हैं तो उस सिचुएशन को हम बैकवर्डेशन टर्म से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इतनी कॉमन कंडीशन नहीं है। बैकवर्डेशन के ऑपोजिट कॉन्टैंगो टर्म काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है, जहां फ्यूचर प्राइसेस स्पॉट प्राइसेस से हायर रहती है। अब स्पॉट रेट के कंपैरिजन में फ्यूचर प्राइसेस चाहे कम हो या ज्यादा हो, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट पास आती जाती है दोनों प्राइसेस आपस में कन्वर्ज होने लगते हैं, यानी प्राइसेस सेम होने लगते हैं, और इसलिए एक्सपायरी के दिन आपको फ्यूचर के प्राइसेस और स्पॉट के प्राइसेस सेम देखने मिलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्पॉट रेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू।